बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर और आज मैं आपके साथ एक बार फिर दावत व्लॉग कर रही हूँ शेर जी। हाँ, और इस बार है ससुराल की दावत। तो ससुराल की दावत है तो एहतमाम तो बनता ही है जी। हाँ, और सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ बीफ बिरयानी की, क्योंकि बिरयानी जो है वो दावत में ना हो, यानी राइस की कोई डिश ना हो तो दावत अधूरी रहती है। तो यहाँ पर मैं बीफ बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, और तैयारी जो है आपको पता है मेरी साथ साथ जो है बहुत सारी चल रही होती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि टाइम से पहले मेरे सारे काम जो हैं वो एकदम कंप्लीट हों। और अच्छा भी लगता है कि आपके सारे काम जो हैं वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मेहमानों के सामने जो है वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं तैयार, और खाना रेडी रहता है जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों को भी जो है वो एक दिली मुसर्रत का, एक सुकून का एहसास होता है कि हाँ भाई खाना सारा जो है वो अभी तैयार है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये एक अलग मजाक की बात थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 2.5 किलो जो है वो बीफ का गोश्त लिया है, और आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो प्याज ली थी और उसको ब्राउन करके जो है आधी प्याज निकाल ली थी, और आधी प्याज के बाद जो है मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया था, और इसमें जो है वो गोश्त को अच्छी तरीके से मैंने जो है भूना है, और फिर मैंने जो है वो दही के अंदर जो है वो बिरयानी के मसाले जात शामिल किए थे, और उसके अंदर जो है मैंने 1 किलो जो है वो टोमेटो लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, और इसको अच्छी तरह से भून के मैं पानी डाल के जो है वो तब तक जो है वो इसको पकने दूंगी जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए, और फिर इसके अंदर हम ना पोटैटो ऐड करेंगे। और साथ में बन रहा है मटन कुन्ना। जी हाँ, यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 किलो जो है वो मटन लिया है, और जो है वो एक बॉल के अंदर मैंने जो है वो कुन्ने का पैकेट जो है वो कुछ और मसाले में इसके अंदर शामिल किए थे, जिसमें लाल मिर्चें मैंने थोड़ी शामिल की थी। बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही थी, तो यहाँ 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने जो है 1 छोटी सी प्याज को जो है वो हल्का सा जो है वो फ्राई किया, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, और 2 चमचे भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल किया है। जी हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें गया है, और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मटन। जी हाँ, तो मटन जो है वो अच्छी तरीके से मैंने ऑयल और प्याज के अंदर जो है वो फ्राई करना है, और कोशिश करें कि बोन का गोश्त हो और हड्डी वाला हो तो उसका बहुत ही मज़े का कुन्ना बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुन्ना मसाला भी इसके अंदर शामिल कर दिया, और इसको बहुत अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट तक मैंने भुना है। कच्चा बन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है फुल एंड फाइनल जो है भुनाई इसी वक्त ही होगी, फिर इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। जहाँ मैंने इसके अंदर इतना पानी शामिल किया था और बिल्कुल हल्की आँच पर इसको रख दिया था, यानी मैंने शामिल किया था इसके अंदर 6 गिलास पानी, और बिल्कुल हल्की आँच पे बिल्कुल ढक के इसको जो है वो मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर जो है वो गोश्त जो है बिरयानी का अच्छी तरीके से गल चुका है, तो यहाँ पर मैंने आलू भी इसके अंदर शामिल करके इसको जो है वो अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़ा सा पानी जो है वो इसके अंदर ऐड था, तो मैंने ही जो है वो आलू शामिल कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर बस एंड में जो है ना थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसी में फिर हमने बिरयानी को जो है ना दम देना है। तो यहाँ ऑलमोस्ट जो है वो बिरयानी का मसाला डन है, बिल्कुल ड्राई आपने इस मसाले को नहीं करना है। चलें अब मीठे की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ बन रहे हैं डबल का मीठा। जी हाँ, जिसे हम शाही टुकड़े भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो स्लाइस जो है वो ले लिए हैं, जिनके कॉर्नर जो है मैंने अच्छी तरह से कट कर दिए हैं, और साथ में सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी, जिसमें मैंने मिल्क लिया है, इलायची ली है, शुगर लिया है, जर्दे का रंग लिया है, और थोड़ा सा केसर लिया है। देखिए बिरयानी का मसाला हमारा कितना मज़े का अब तैयार हो चुका है। तब मैं फटाफट और खटाखट जो है वो तैयारी जो है वो करने में मशगूल हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी के अंदर जो है वो स्लाइस को अच्छी तरीके से जो है मैंने फ्राई कर लिया था, और इनका बिल्कुल गोल्डन कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर इलायची जो है पाउडर शामिल कर लिया था, और थाल में जो है वो मैंने इसी तरह स्लाइस जो है वो बिल्कुल फैला दिए हैं, और थोड़ा सा केसर डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पर मैं जो है फूड कलर भी ऐड करूँगी, अमूमन जो हम बिरयानी में डालते हैं जिसको जर्दे का कलर भी कहा जाता है, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और चीनी भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, डिटेल में अगर आपने जो है वो ये रेसिपी देखनी है तो ये मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप तफसील से जो है वो इसकी रेसिपी और सुकून से देख सकते हैं। जी हाँ, तफसील और सुकून के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको जो है 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी कि हमारी शुगर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर एक तसले में मैंने सारी ब्रेड जो है वो फैला दी है, और जो मैंने जो है मिक्सचर बनाया है दूध का वो इसके अंदर कर रही हूँ शामिल, और सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल होगा, और कोई भी ब्रेड जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहना चाहिए। तो देखा आपने कि ये शाही टुकड़े जो है वो कितने शाही अंदाज में हो गए हैं तैयार, और खुशबू भी आ रही है बहुत ही मज़ेदार।
एंड में गार्निश करने के लिए जो है वो खोया इसके ऊपर जो है वो शामिल किया है, और मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते। आप अपनी पसंद से जो है काजू वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी, क्योंकि इसको पकाना मस्ट होता है, क्योंकि फ्लेवर जो है वो इसी से आता है। तो अगर आपने अभी तक जो है वो ये ट्राई नहीं किए हैं शाही टुकड़े, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी दावत में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दांत वसूल कीजिएगा। अमूमन मैं स्वीट डिश जो है सबसे पहले बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने शाम में ही रेडी किया था, क्योंकि जो है वो इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बिल्कुल अगर आपने रूम टेम्परेचर पर रखा है वैसे, या फिर ये गरम गरम ही ये स्वीट डिश सर्व होती है। तो स्वीट डिश बनाने के बाद जो है वो मैं आ गई थी तंदूरी चिकन पे। जी हाँ, जिसे मैंने 5 घंटे पहले जो है वो चिकन के अंदर जो है तंदूरी मसाला, दही और लेमन डाल के जो है मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो अब चिकन गल जाएगी तो मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। देखें हमारी जो है चीज़ें जो है फटाफट और खटखट तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से करूँगी भुनाई, और फिर इसमें जो है कोयला का धुआं दे दूँगी, ताकि बहुत अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और तंदूरी चिकन हो जाए तैयार। तो यहाँ पर जो है वो कुन्ना भी रेडी है, और यहाँ पर मैंने जो है वो 1 कप में जो है वो 2 चमचे भर के आटे के जो है वो मिक्स किए थे अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होने चाहिए, और जितना गाढ़ा रखना है उतना मैंने इसमें को रख लिया था। और यहाँ पर बिरयानी भी तैयार हो रही है, यानी उसका दम लगाया जाएगा, उसके लिए जो अदरक का पानी भी चढ़ा हुआ है। और कबाब मैंने जो है वो 1 दिन पहले रात को ही बना लिए थे, क्योंकि टाइम का इशू होता था, कबाब जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हमें प्रीवियस दावत व्लॉग में ना मुझे इसकी वजह से थोड़ा जो लेट हो रहा था, लेकिन वो भी मैंने जो है वो टाइम से पहले कर लिया था। तो यहाँ पर हर चीज़ एकदम से रेडी है, और माशाल्लाह से बस अब मेहमान आने वाले हैं, उससे पहले मैं कबाब फ्राई करके माइक्रोवेव में रख दूँगी। तो टेबल भी मेरी जो है माशाल्लाह से सेट है, पूरा घर हमेशा की तरह नीट एंड क्लीन है, यानी हर चीज़ ओके है। तो बस मेहमानों का हो रहा है वेट, और तब तक मैं जो है कबाब फ्राई करके रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं गार्निश का सामान भी जो है वो मैंने सारा रेडी करके रखा है, रोटियां भी मंगवा ली थी, और ये मैंने रोस्ट भी बनाया था, जी हाँ बीफ रोस्ट, जो गरम मसाला के अंदर ही बनता है, यानी आपने गरम मसाला लेना है, और जो अगर मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं, और उसमें सॉल्ट डाल के आपने इतना इसको जो है गलाना है कि बिल्कुल गल जाए, और ऑयल डाल के आपने इसमें भून लेना है, तो ये रोस्ट जो है वो मज़े का हो जाता है तैयार। और साथ में होगा ये तंदूरी चिकन भी माशाल्लाह से, और हमारा मटन कुन्ना भी, और शामी कबाब भी। और देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से जो है वो सारी डिशेस जो हैं वो टाइम पे जो है मैंने तैयार कर ली थी, जी हाँ मेहमानों के आने से पहले भी। और बस टेबल को जो है अब जो है सेट कर लिया है, और मेहमान से कह दिया है कि बस खाने को ना करें इंतज़ार और आ जाएं और नोश फरमाएं। तो ये आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताने हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये आज का मेरा दावत व्लॉग होता है इख्तिताम पज़ीर, और एंड में बस जो है वो स्वीट डिश की बारी आई थी, जिसे माशाल्लाह सब ने बहुत पसंद किया। और मेहमानों के जाने के बाद मुझे काफ़ी टाइम लग गया था घर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि मुझे जो है वो गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सारा समेट के और सारे जो है वो टेबल के मैट वगैरह चेंज करके फिर मैं रिलैक्स होकर जो है वो आराम से सोऊंगी। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।